नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। थंबनेल से आप लोग परिचित हो रखे होंगे कि आज हमारे स्टूडियो में वह शख्सियत उपस्थित है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनका परिचय केवल मेरी यही पंक्तियां हैं कि आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की तरह, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस ब्यार के झोंके हैं जो हरले जग का दुख सारा। चलना है पथ पर शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। अपने जीवन में इस प्रकार से आगे बढ़े हैं कि हजारों नहीं लाखों विद्यार्थियों का आपने मार्गदर्शन किया है। गणपत सिंह जी, हमारे इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी हिंदी के कवि को सुन रहा हूँ। बड़ी अच्छा, ऐसे याद अच्छा रख लेते हो बाबा। नहीं, याद तो बहुत कम रहता, लेकिन बहुत प्रैक्टिस हो रखी इन चीज़ों की, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। उसको वापस उन्हीं भावों में अभिव्यक्त करना, उसको वही लहजा देना, ये अच्छा यही कारण था इतिहास समागम 1.0 में मुझे अवसर दिया गया। नहीं, आप उस मंच के योग्य हैं। धन्यवाद। ये तो बाकी अवसर आपको नहीं दिया था, आपकी उस योग्यता को दिया था जी जी, जो वो डिजर्व करती थी। धन्यवाद। तो आप सब जानते हैं कि आज इस थंबनेल की जो हेडिंग है, राजनीति की इतिहास से परिचर्चा, हमारे सवाल उनके जवाब, यानी कि आपके जवाब। सवाल मेरे महत्वपूर्ण कम हो सकते हैं, लेकिन जवाब बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, ये इस वीडियो में आप लोग महसूस करेंगे। गणपत सिंह जी, इस वीडियो की शुरुआत जो है बिना किसी औपचारिकता से मैं करना चाहूँगा, और मुझे कल ही कहीं से एक फोटो मिला। मैं चाहता हूँ कि ये जो फोटो में गणपत सिंह जी है, और ये कब का फोटो पहले तो आप ये बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे देखना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट मैं एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकता हूँ कि 2009 के आसपास का। मेरा शरीर ठीक दिख रहा है। हाँ, बीमार नहीं था जी, तो अभी शरीर ठीक था, मतलब ये 9-10 के आसपास का, तकरीबन 14-15 साल पहले का। यहाँ से यहाँ तक की यात्रा को मैं 4-5 मिनट में जानना चाहता हूँ। ये जो गणपत सिंह जी राजपुरोहित आपको दिख रहे हैं, मुझे लगता है 15 साल पहले के, और आज जो गणपत सिंह जी राजपुरोहित है, मैं इस यात्रा को थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, फिर मैं सीधे प्रश्नों पर आऊंगा। ये तो कैमरे का कमाल है। कैमरा का नहीं, अभी तो दिख रहे हो ना आप, ये गणपत सिंह जी। कैमरे इतने अच्छे नहीं थे। अच्छा, कैमरे अच्छे आ गए हैं। और बाकी बच्चे जो एक शिक्षक से जुड़े हुए होते हैं ना जी, वो उसके ज्ञान, उसके चरित्र, उसके व्यवहार और उसकी निश्चलता से जुड़े हुए होते हैं। कितना निश्चल है व्यक्ति, उससे जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चे उस बदसूरत में भी एक स्मार्टनेस देखते हैं बच्चे, क्योंकि वो शिक्षक का सम्मान करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट जितने भी हुए, आप देखना, मुझे कोई भी साइंटिस्ट सकल सूरत में ऐसा कोई खूबसूरत नहीं है, लेकिन इस पर उनका जो विद्वता है, लोग कहते हैं ना, एक अच्छा मित्र और एक अच्छा शिक्षक, उसके चेहरे और शारीरिक संरचना पे, शारीरिक विशेषताओं पे एक अच्छा मित्र और एक अच्छा शिष्य कभी लिख नहीं सकता, उसको बहुत खूबसूरत लगता है। क्या बात है, बहुत स्नेह दिया है। बेसिकली जो यात्रा है ना मेरी, हाँ, ये आप यूँ मान लीजिए कि मैं एक शब्द में कहूँ तो ये विद्यार्थियों के स्नेह की यात्रा है। हाँ, और उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ये यात्रा दरअसल 2008-09 से शुरू हो गई थी मेरी यात्रा। मैंने 7-8 से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और मैं मानता हूँ कि जो पुस्तकें हैं ना, ये व्यक्ति को खूबसूरत बनाती है। पुस्तकें व्यक्ति को खूबसूरत बनाती है। एक बड़ा जबरदस्त, जितना अधिक पढ़ा है ना, उतना अधिक निखरता है। एक बड़ा जबरदस्त कथन है, मैं हमेशा याद रखता हूँ कि माँ शारदे अपना ऋण नहीं रखती, नहीं रखती है। और मैं हमेशा इसलिए हर कार्यक्रम में कहता हूँ कि माँ तेरी रहमत की सीमा दूर है मेरे बयानों से, अदा ना हो सकेगी इस जमाने की जुबाओं से, मेरी मांगों से बढ़कर दे दिया तूने मुझको, लेकिन उम्मीद और भी रखता हूँ माँ तुम्हारे खजाने से, उम्मीद और भी रखता हूँ माँ तेरे खजाने से। तो माँ शारदे का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे हैं, और उसी कड़ी में। और पहला मेरा सवाल यह है, चूँकि कक्षा 12 के बोर्ड के लाखों विद्यार्थियों ने अभी परीक्षा दी है, उन विद्यार्थियों का आपका क्या संदेश रहेगा कि स्नातक के साथ में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की तरफ उनको कैसे ध्यान देना चाहिए, उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? मेरा ये मानना है कि कॉम्पिटिशन की तैयारी बच्चे को 12वीं के बाद ऐसे शुरू करनी नहीं चाहिए, मतलब ऐसे कि नहीं मैं कंपटीशन नहीं पढ़ूंगा। आजकल अगर IIT और NEET के बच्चे सुसाइड करते हैं ना, तो उसके पीछे जिम्मेदार हम हैं। हमने 6ठी क्लास के बच्चे को ही उसमें डाल दिया, बच्चा उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, और अब यही स्थिति इसमें आने लग गई प्रशासन में, 9-10 से बच्चे को शुरू करवा देते हैं।
मेरा ये मानना है कि 12th के बाद बच्चे को अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है यूनिवर्सिटी का सिलेबस ढंग से उसने कर दिया, पढ़ना चाहिए तो उसका जबरदस्त आधार है। साथ में उसको क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स है ना, समसामयिक के मुद्दे पे बिल्कुल पैनी नज़र रखनी चाहिए उसको, बढ़िया अखबार पढ़ना, राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मुद्दे, है ना, इनको पकड़ना चाहिए। प्लस ये दो चीज़ें करने के साथ साथ में बच्चे को एक ऐसा मेंटर अपना रखना चाहिए जो उसको समय समय पे मार्गदर्शन करता रहे, कहीं बच्चा गलत ना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सफलता में जो मार्गदर्शक की जो भूमिका होती है उसकी कोई कीमत नहीं। आज की तारीख में भटकाव के सूत्र बहुत है, सोशल मीडिया फायदेमंद भी भटकाव भी लाता है, मार्केट में मोटिवेटर बहुत है वो भी भटका सकते हैं, ऐसी स्थिति में एक मेंटर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए जिसपे वो पूर्ण भरोसा कर सके और उस मेंटर के परामर्श से वो चलता रहे, तो मुझे लगता है कि बच्चा जीवन में इतना कामयाब हो जाएगा। सरकारी नौकरी तो कामयाबी का एक भाग है, और भी बहुत से होना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कामयाबी की परिभाषा, बहुत सारी चीज़ें जो हम भूल रहे हैं, कामयाबी केवल सरकारी नौकरी लगी कि आप पतित कार्य करते हो तो आपकी कामयाबी कहाँ है, कोई कामयाबी नहीं। कामयाबी ये होती है जब आपका चरित्र शुद्ध हो, आपका आचरण व्यवहार बढ़िया हो सारा, साथ में नौकरी तो जीविका निर्वाह है, नहीं भी लगते ना तो भी कोई भूख थोड़ी मरते, लेकिन हमने कमाया क्या है, कमाया ये है कि हम बेदाग है और बच्चों को हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि आपको ये करना है क्योंकि हमने किया है। बिल्कुल, ये दरअसल मैं हर बच्चे को यही कहता हूँ कि ऐसे मन में ये मत रखो कि नहीं कंपटीशन की तैयारी करनी, यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़िए, करंट मुद्दों पे अपडेट रहिए ताकि कहीं पर बात रख सकते हो आप, और साथ में जागरूक स्टूडेंट रहिए, 3-4 साल के अंदर काम हो जाता है। यानी कि 3 साल जो कॉलेज के है वो यदि ठीक से बच्चा इन बातों पर ध्यान दे दे तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, और आज तक मैं किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने नहीं गया हूँ, आज तक। क्या बात है, अब ये मेरा दुर्भाग्य है सौभाग्य है मुझे नहीं पता, ये श्रोता जज करेंगे, लेकिन मैं आप बात बताऊं, 3 साल तक जो कॉलेज की अवधि थी मैं किताबें पढ़ता था, आज भी मेरे पास ओपी गाबा की किताब है, पॉलिटिकल साइंस की किताब है, मेरे पास सी बी गेंदा सर की पुस्तक है, आप कैसे कार पुखराज जैन की मैं लेके आया था, मेरे पास उस समय मैंने सुभाष कश्यप की किताब मेरे पास डीडी बसु के रेड कलर से पूरी मैंने उसको अंडरलाइन कर रखी है, मुझे ये नहीं पता था कि इनको पढ़ने से परसेंटेज नहीं बनते, लेकिन मुझे ये पता था कि इनको पढ़ने के बाद मैं जब कंपटीशन की दुनिया में उतरूंगा ना तो ढंग से जाऊंगा, बस ये मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि बेटा पढ़, ये नंबर कम आएंगे लेकिन इसका ठोस परिणाम निकलेगा एक दिन, और मेरे बीए में मेरे सभी साथियों से कम परसेंटेज बने लेकिन रिजल्ट नौकरी सब में पहले मेरी लगी। क्या बात है, तो मैं मानता हूँ कि वो जो फोटो की यात्रा है ना वो उन्हीं किताबों की देन है। इसमें कुल मिलाकर जवाब आपकी यात्रा का भी हो गया, कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए बात थी, अब हम सीधे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी का जो दौर है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, आचार संहिता लगी हुई है, ये तय है कि जून जुलाई तक कोई भर्ती नहीं है, इन 4 महीने में विद्यार्थी को इस समय का किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए? वॉल्टियर आपके भी आते हैं और वॉल्टियर हमारे भी आते हैं एनलाइटनमेंट एज में, वो लोकतंत्र के विरोधी थे इस मामले में कि लोकतंत्र कभी भी भीड़ तंत्र बन जाता है और इस भीड़ में सबसे ज़्यादा योगदान युवाओं का होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस दौर में, चुनाव के दौर में, युवाओं को उस भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए, युवाओं को अपना काम कर्तव्य निष्ठा से करना है, और जैसे ही मतदान का दिन आता है वो अपने पसंदीदा जो भी योग्य उम्मीदवार है उसको मतदान लेके निकल जाओ बस, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे हम अगर मतदान के लिए लड़ेंगे तो हमारे भाई भाईचारा बिगड़ेगा, सद्भावना बिगड़ेगी, आपस में लड़ेंगे, ये चुनाव तो ये जून में परिणाम आ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 5 साल तक हमें साथ में रहना, नेताजी तो आएंगे नहीं, आपको तो वापस किताबों से मित्रता करनी है, तो क्यों अपने रिश्ते खराब करें किसी से। सही है, मैं किसको वोट देता हूँ किसी को नहीं पता है, बिल्कुल मेरी क्या आइडियोलॉजी है किसी को नहीं पता, गुप्त मतदान है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके वो कहते हैं ना वो पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तटस्थता का सिद्धांत देते हैं मैक्स वेबर, वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में तटस्थ नहीं है, लेकिन तटस्थता के बहुत निकट पहुंच जाता है उसे पूर्ण तटस्थता मान ली जाए। बिल्कुल, तो तटस्थ तो हम भी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी तरह इंक्लाइंड है, तो मुझे लगता है कि इस दौर में बच्चों को शांति से पढ़ाई करनी चाहिए और मतदान करके आ जाना चाहिए, और इस बिना फ्रेशर के अध्ययन किया जा सकता है, खाली समय है, और इसका जो ठीक से सदुपयोग करेंगे
वो आगे रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे। देखो जब तूफान आते हैं ना, हाँ, तब तो सब वही वृक्ष टिक के रहता है जिसकी जड़ें गहरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जड़ें गहरी कब होती है? जब शांति काल में पौधा जड़ों को अंदर डालता जाता है, वो उस तूफान की पूर्व तैयारी होती है, हमें दिखती नहीं है। हमें दिखती नहीं है, वो धरातल के आंतरिक भागों में होती है। इसलिए बच्चों को मैं कहता हूँ कि जब भर्ती वगैरह नहीं होती तो शांति काल होता है, और उसमें जड़ें गहरी कीजिए तो दुनिया ना देखे। बिल्कुल। और फिर जब तूफान आएगा ना आपका आरपीएससी यूपीएससी यूजीसी का, सीना तान के खड़े होंगे, मैंने न्यू पहले जाओगे, तूफान खत्म होंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर ये समय बहुत महत्वपूर्ण है भर्तियों के लिए, यही महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद भर्तियों का अंबार आने वाला। अगला प्रश्न मेरे इसी से संबंधित, जो सबसे अधिक, एक्चुअली मैंने बच्चों से प्रश्न लिए बहुत से, सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाने प्लान में पहले, हाँ, पूरा प्लान मैंने और विचार तो कई वर्षों से था कि कभी आपके साथ इस प्रकार की बातचीत हो, या आज एक अवसर बना है। सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्तियां कब आने वाली है और संभावित एग्जाम की तिथि क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियां आ रही थी, फिर लोकसभा चुनाव से पहले आ रही थी, आप बार बार कह रहे थे कि नहीं अभी कोई संभावना नहीं है। आज की स्थिति में क्या हम अगर अब मैं इसका उत्तर दो पक्ष आयाम से दूंगा। जी, मैं पहले आपको मान के चल रहा हूँ, जैसे गणित में एक्स मानते हैं वैसे, ठीक, आप एक स्टूडेंट है और मुझे पूछ रहे हैं, ठीक, पहला मेरा उत्तर ये रहेगा आपको भर्ती से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सिलेबस उठाओ, सिलेबस देखिए और ईमानदारी से पूछिए कितना तैयार हुआ, कितना तैयार हुआ है, कितनी बार रिवीजन हुआ है, और आज परीक्षा हो जाए तो आप कितने प्रतिशत नंबर लाने के, चार महीने बाद भी हो तो आप कितने, और पिछली मेरिट क्या रही थी जी। इसलिए भर्ती को छोड़िए, ये प्रशासन का काम है और उनको जब निकालनी हो निकालेंगे, तेरे मेरे सोचने से कुछ होगा नहीं। यानी कि प्रश्न ही गलत है कि भर्ती कब आने वाली है, परीक्षा कब होने वाली है, लेकिन सबसे अधिक जिज्ञासा इसी प्रश्न की होती है। अगर आप स्टूडेंट होते तो मैं आपको ये कहता। बिल्कुल। अब आप एक साथी के रूप में पूछ रहे हैं बच्चों की प्रश्न को लेकर, तो मैं यही कहूंगा कि ये इसका जवाब मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे पात्रता को लेकर अटके हुए हो। बिल्कुल। मैं पात्र होऊंगा कि नहीं, ये प्रश्न भी है हालांकि आगे, तो मैं आपके सारे प्रश्न खुद लिख सकता हूँ क्या क्या। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं यही कहूंगा, देखो अभी लोकसभा के चुनाव होंगे और इसके बाद भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। जी, मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर के आसपास वैकेंसीज के दौर शुरू हो जाएंगे और 24 में भर्ती तीनों आ जाएगी। इनकी तीनों भर्तियां 2024 में आने की पूरी संभावना है? नहीं, आ जाएगी, ठीक है, और अच्छी भर्तियाँ आएगी, और इसमें सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड होगा जहाँ तक मेरा एक अनुभव है। क्या है कि वीपी जब से बने व्याख्याता से 10,000, उसके बाद में एक बड़ी भर्ती की हम 6,000 पदों का मामला चल रहा है फर्स्ट ग्रेड का, और वैसे तो 5800 प्लस 4400 11,000 का मामला है। अच्छा, वो कितनी, हाँ, उसमें सरकार कितनी स्वीकृति देती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले होगी स्कूल फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद में सेकंड ग्रेड, और उसके बाद में अध्यापक। तो मुझे ऐसा लगता है, ये देखो मेरा एक पिछले 10-12 साल का तो ये कोई सत्य भी नहीं है, बट मैं ये अंदाजा इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप पात्रता को लेकर चिंतित है ना, हाँ, तो आपको कर सकते हैं पढ़ाई पे लग जाना। इतना कह सकता हूँ कि इससे पहले तो नहीं होगा, पहले बाद कितना होगा ये मुझे नहीं पता, पर पहले नहीं होगा। और जहां तक एग्जाम्स की बात है तो मुझे, मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि अप्रैल 25 से पहले कुछ नहीं है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में तो ये विशेष, आपको बताऊं, आपने मुझे एक बार मैसेज किया था, सर लोग पेपर करवा रहे हैं, जब भजन लाल सरकार बनी, हाँ, है ना, अपने राजस्थान वो 100 दिवसीय कार्य हो, मुझे फिर लाइव आना पड़ा, तो लोगों ने कहा कि मार्च में परीक्षा करवा रहे हैं, और बच्चे मेरे पास उमड़े उधर से, सर अब हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा धैर्य, थोड़ा शांति, ठंड रख, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा भर्ती नहीं आएगी जुलाई अगस्त तक, अच्छा, आप शांति से पढ़ते जाइए, और परीक्षा अप्रैल 25 से पहले तो है नहीं। अब आप इसको बुरा मानो तो बुरा मान लो, और सही मानना तो सही मान लो, हकीकत है वो तो मैं कहूँगा सही है। कई बच्चे कहते हैं सर मेरे पास तो टाइम इतना नहीं है। अभी कुल मिलाकर 10 से 12 महीने स्टूडेंट के पास में खुले हम मान सकते हैं, और एक स्टूडेंट यदि आज भी ये तय करे कि मुझे अगले 10 महीने भूमिगत होकर अध्ययन करना है, तो मेरे हिसाब से सफलता, ये उस बात पे निर्भर करता है कि आप 12 महीने को 6 महीने में कन्वर्ट करते हैं, 24 महीने में वो उसके ऊपर नियमित। इतने प्यारे बच्चे होते हैं जो 12 महीने का काम, जो 12 महीने का जो काम है ना, वो 6 महीने में कर लेते हैं, एक 12 महीने को 24 महीने बनाते हैं। मेरे विद्यार्थी मेरे से जुड़े, उनका नाम तो मैं साझा नहीं करूंगा, इतना जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, और उनका जो रिवीजन करने का जो तरीका है ना, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से वो रिवीजन कर रहे हैं, और मैं आज कह रहा हूं उनका सिलेक्शन 101% है। हाँ, वो उनका एक
बट ये बात उस बच्चे को नहीं लगनी चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने नाम लग गई तो हाँ, मेरा में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, पर हवा में आया हुआ व्यक्ति की जड़ कट जाती है, पता नहीं चलता है कभी भी। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। स्कूल व्याख्याता में जो फर्स्ट पेपर है, खैर वो साइकोलॉजी इधर होगी, वो तो एक इश्यू नहीं है, वो तो सेकंड में हो चाहे फर्स्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें जो 10-12 विषय हैं, 2013 की जो भर्ती आई थी स्कूल व्याख्याता की, मैंने फॉर्म भरने के बाद में परीक्षा नहीं दी। क्यों? जब उसका सिलेबस देखा मैंने फर्स्ट पेपर का, उसमें अंग्रेजी गणित और विज्ञान बारी बारी नाम थे बड़े, आती नहीं है अंग्रेजी, और इस कारण मैंने 2013 का स्कूल लेक्चरर का एग्जाम नहीं दिया। 2010 में मैं बीएड में था, फिर पता चला कि अंग्रेजी गणित और विज्ञान ये तो पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के साथ मेरा कंपटीशन है, तो सबके ही लगभग यही स्थिति रहेगी। तो मैं इस संदर्भ में चाहता हूँ कि 10 से 12 जो छोटे छोटे विषय हैं इनको कैसे साथ लेकर चल सकते हैं, मेरा क्या करना चाहिए। खुद का बताता हूँ आपको कि मैंने गणित कम्प्लीटली छोड़ दिया था, ठीक है, जिसमें मेरी कोई उम्मीदवारिता नहीं थी, ठीक है, मुझे आती नहीं थी वो। विज्ञान का मैंने क्या किया था, 9th-10th के शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे जी। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा था, मैनेजमेंट मैंने 2-3 बार किसी किताब से पढ़ लिया था, और ज्योग्राफी मेरा विषय रहा हुआ था तो मुझे दिक्कत नहीं थी। साइंस के नोट्स बनाए, पॉलिटिकल साइंस को मैंने 5-7 दिन पढ़ लिया था ठीक से, ठीक है, और क्या रहा फिर। हिंदी अंग्रेजी मैंने टच भी नहीं किए, हिंदी भी टच भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि आना हुआ तो आ जाएगा, नहीं आना हुआ तो नहीं आएगा। अंग्रेजी को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है, रीजनिंग मेरी ठीक ठाक थी। करंट अफेयर मैंने जरूर 4-5 महीने की, लास्ट की 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लिया था, और मेरे नंबर आए थे 108 150 में से फर्स्ट पेपर में, 2016 के मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अटेंड किए थे, मुझे ठीक से याद है 108 आए थे, हाँ मेरे 78 आए थे, हम एक ही भर्ती से स्कूल लेक्चर बने वैसे, वही पेपर था। और मज़े की बात देखिए, मेरे उसमें इंग्लिश में और हिंदी में 10 के 10 सही हुए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भाषा जिसकी ठीक है वो ठीक ही रहेगी, कमजोर है तो फिर कमजोर रहेगी। इंग्लिश और हिंदी में सब सही हुए आपके, 10 के 10 सही। आपने कहा हिंदी तो मैंने टच भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि आप उसमें कर लोगे, तैयारी नहीं की थी आपने, लेकिन उन प्रश्नों को आपने अटेंड कर लिया होगा, और मुझे पता टेढ़ा आ गया तो इन 2 मिनट में पढ़ने से भी नहीं होगा, ठीक है। गणित के बारे में भी ये कहा जाता है, जिसकी ठीक है वो नहीं पढ़ते, जिसकी नहीं ठीक है वो भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं ठीक है नहीं पढ़ सकता, ठीक है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के अंदर जितने भी 10 लाख जैसे बच्चे बैठे हैं, हर कैंडिडेट के एक या 2 सब्जेक्ट कमजोर हैं। आप इस चीज को लेकर टेंशन लेते ही हो, आप 60% पे दावेदारी को, हाँ 75 आते हैं, मेरा भतीजा इस बार स्ट्रीम लेक्चर बना, उसके क्या है कि हाथ तंग है इसमें, साइंस में, इंग्लिश में, गणित में, रीजनिंग में। मेरे को अच्छा कैसे करेंगे, मैंने कहा इतिहास तो मेरे से पढ़ी हुई थी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 55 से ज्यादा 56वां सवाल नहीं करना तेरे को, रोक देना अपने आप को, काकुन का है, रोकना है। उसने ये 20% छोड़ दिए, और ऐसे करके शायद 52-53 अटेंड किए, और कट कटा के लास्ट में 33 हो गए, 40 का 33 हो गए, और उधर 100-102 के आसपास थे, आराम से जनरल में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट होना पड़ता है कि इधर को कंपनसेट कर लो आप सेकंड पेपर में, अगर आपको लगता है कि भाई फर्स्ट पेपर में ये 2 क्वेश्चन कमजोर है। भाई मैं मानता हूँ 2 पौधे हैं, एक मरा हुआ पौधा है उसको पानी डालोगे नहीं बड़ा होगा, इससे अच्छा है जो हरे पौधे उसको पानी डालोगे पौधा और ऊंचा ही करता है। कहा जाता है कि जो गड्ढा गहरा है उसको और गहरा आसानी से किया जा सकता है, नया गड्ढा खोदने का, लेकिन आजकल कहा जाता है कि फर्स्ट पेपर में न्यूनतम अंक जरूरी हो गए। हाँ। और दूसरी बात है कि लोगों का कहना है कि सब्जेक्ट तो सबका ही अच्छा होता है, आप फर्स्ट पेपर पे ज्यादा फोकस करें। बस सब्जेक्ट सबका अच्छा होता नहीं है, कहने को होता है, लोग झूठ बोलते हैं, ईमानदारी नहीं है, बात ये है। बिल्कुल, ईमानदारियां होती तो पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ देखो, हिस्ट्री की कट ऑफ देखो, बिल्कुल आप देख लो, गणित की देख लो, कहाँ है सब्जेक्ट अच्छे वाले बच्चे, नहीं है। और रही बात फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग की, आपको 40% चाहिए, मतलब आप ये सोचिए कि सिर्फ 30 नंबर करने हैं, 60 नंबर करने हैं, 30 सवाल करने हैं आपको। 30 सवाल में से उनमें से एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री का है तो उसको 15 सवाल तो सीधे मिल गए, 8 सवालों को तो सीधे 30 सवाल मिल जाते हैं, बिल्कुल साइंस वालों को सीधे 30 सवाल उनके मिल जाते हैं। हाँ, जब राजस्थान इतिहास है, कला, भाई 10 नंबर का करंट तो सभी को मिला, हिंदी ये तो न्यूनतम अंक तो साइंस वालों को भी बराबर मिलते हैं और उनको भी बराबर मिलते हैं, इतने भी नहीं आ रहे तो फिर आप उसमें सच में दौड़ में नहीं है, आपने तैयारी नहीं की, फिर क्या भाई। साइंस वाले को देखो, गणित है, रीजनिंग है, विज्ञान है, इंग्लिश है, और भाषा है, मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट है, वो सबके करंट तो है ना, करंट है। हाँ। उसमें से अगर आप 30% भी नहीं कर पा रहे हैं ना तो आप वैसे बाहर बैठने को। हाँ, यदि कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं सभी सब्जेक्ट परफेक्ट करके जाऊं तो सब में पिछड़ जाएगा, परफेक्शन जो बहुत अधिक ही नहीं आ पाता, जो बहुत अधिक ऐसे सब्जेक्ट है कि जो हमारे टच में नहीं, उनको एक बार अलग कर देना चाहिए, ऊपर ऊपर से कोई प्रश्न आ जाए। 50-55 की तैयारी करो ना ढंग से, बिल्कुल
आप 60-62 की तैयारी, ये 75 में से बात कर रहे हैं हम, हालांकि नए सिलेबस के 75 प्रश्न नहीं, नए सिलेबस में 75 रहेंगे, 75 रहेंगे, ये तोड़ेंगे कुछ प्रश्नों को कम करेंगे, मुझे लगता है जैसे करंट के 5-7 कर लेंगे, मैनेजमेंट के 2-3 कम कर लेंगे, ऐसे करके 10-12 साइकोलॉजी के अंदर डाल देंगे, अभी 75 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो रहेंगे सवाल इतने ही रहेंगे, बस साइकोलॉजी घुसेगी अंदर तो कुछ कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए। एक प्रश्न मुझे यही याद आ रहा है, माइनस मार्किंग से कैसे बचा जाए? माइनस मार्किंग का खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, और दूसरा अभ्यास करना होता है। देखो माइनस मार्किंग दो कारणों से होती है, पहला कारण ये होता है कि आपने आधा अधूरा हर जगह पढ़ रखा है, परीक्षा में जाते हो आप ना तो छोड़ सकते हो ना कर सकते हो, बिल्कुल मन मानता नहीं है, कर लेते हैं नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल। तो पहली बात तो यहाँ ध्यान रखनी है भाई, आप यहाँ तो पढ़ो पूरा पढ़ो, यहाँ तो आधा अधूरा मत पढ़ो, पे बाहर की गलती ये होती है, अंदर ये होती है आ नहीं रहा था तो कुछ ठोक दो ठीक हो जाए, तो ऐसे ठीक होता नहीं, अपना नसीब इतना अच्छा कहाँ है, और उसके लिए टेस्ट सीरीज आपको ये सिखाती है कि वास्तव में तुक्के आके आपको जिसमें भी ऑफलाइन होती है तो और भी अच्छी होती है, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट है और मार्कशीट भरने के तरीके हैं और आपको गहराई पता चलती है, 50 लड़कों में पेपर देते हो तो आपको अपनी रैंक पता चलती है, अपनी औकात पता चलेगी टाइम पे, तो कम से कम तैयारी कर ले, बिल्कुल बिल्कुल, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा ठीक से यूज़ करे तो आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रश्न मुझे और यही याद आ रहा है, अधिकतम विद्यार्थी आजकल फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चर है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट को कितने घंटे वीडियो देखने चाहिए एक दिन में, उसकी क्या सीमा होनी चाहिए, उसका रिवीजन की क्या स्थिति रहनी चाहिए, कैसे रिवीजन? देखो ऑनलाइन विद्यार्थी को पहला काम तो ये करना चाहिए कि टीचर पे भरोसा कर लेना चाहिए, ठीक है, हाँ जहाँ से भी जुड़ रहे हैं वहाँ पूरा अंध विश्वास होना चाहिए आपका। जहाँ तक घंटों की बात है तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको उस विषय में इंटरेस्ट है कि नहीं, अगर उसको घर वालों ने जबरदस्ती विषय दिलाया है तो दो घंटे वीडियो नहीं, दो घंटे भी देख पाएगा, अगर उसका मन पसंद शिक्षक है और मन पसंद विषय है तो और कंटेंट अच्छा है तो वो तीन, मैंने देखा है मेरे बैच के कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 महीने में मेरा कोर्स पढ़ लिया, कुछ ऐसे हैं जो 1.5 साल से बैठे हैं रो रहे हैं कि मेरे से हो नहीं रहा है, जबकि मैं कई बच्चों को देखता हूँ 6 महीने में कर लिया उन्होंने काम, नहीं तो जैसे एक महीने में तीन वीडियो, एक दिन में तीन वीडियो भी देखे तो 90 क्लास हो जाती है, एक महीने में 350-400 क्लास है, 8 महीनों के अंदर, 8 महीनों में सब कुछ हो जाता है, सब कुछ, बट करे क्या, मैं कह रहा हूँ कि निरंतरता नहीं रह पाती है, बच्चों को राजपत्रित अधिकारी बनना है बट मेहनत नहीं करना, निरंतरता सबसे बड़ी, मैं आज ये कोटेशन कह के आया कि उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी, मंजिल चाहे दूर कितनी भी क्यों ना हो, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी, थकान से कब रिश्ता रखता है, बच्चे काम शुरू हो गए, मैंने देखा है कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे केवल आप देखो सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आते हैं, वो छिद्रान्वेषक होते हैं कई, तो गलतियां निकालने के लिए आते हैं, तो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ ना, आप अगर इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं तो आप 7-8 क्लास से आराम से कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप अगर उनको हाथ से नहीं लिख रहे हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन कोई काम का नहीं है, जैसे प्रिंटेड नोट्स भी है तो उनको लिख लिख कर, प्रिंटेड नोट्स भी है नोट्स कर सकते, उसके जो मार्जिन है उस पर लिखो, अंडरलाइन करो, पूरा वीडियो देखो अच्छे से, लाइन करो और अलग से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको लिखो, याद करो, और फिर कम से कम 5-7 बार उन नोट्स का रिविजन होगा ना, कम से कम, तब जाके चीजें हैं वो ठीक हो, रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बिना कुछ नहीं है, आपने बहुत प्यारे नोट्स बना के उनको बिल्कुल मलाई दे दी, एक अब उसका रिवीजन किया नहीं मलाई क्या काम, तो कोई मतलब नहीं। एक और बात है कि दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, ये प्रश्न रिवीजन कंप्लीट पाठ्यक्रम करने के बाद करना चाहिए या साथ साथ करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि रिवीजन की जो प्रोसेस है ना, ये आदमी जब भी ऐसे कंप्लीट का इंतजार नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना, मैं क्या करता था, मैं 5 दिन पढ़ता था ना, क्योंकि कंप्लीट करोगे तब तक 7-8 महीने का, 2 दिन शनिवार रविवार फिर रिवीजन नहीं करता था, यानी 2 दिन नया नहीं पढ़ना चाहिए, 5+2 के रूल्स पे रहता था, 5 दिन पढ़ा, बात बताइए आपने, 2 दिन रिवीजन, बस शनिवार रविवार को कुछ भी नहीं, नया नहीं पढ़ना है, बस जितना पढ़ा, और शुरुआत हमेशा वहीं से करनी है, शनिवार रविवार को नहीं, शुरुआत भी ऐसा नहीं करता था मैं, शनिवार रविवार को पहली प्राथमिकता ये रहती थी पिछले 5 दिन का क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले उसको कर लिया, ठीक है, उसके बाद जैसे समय बचा ना तो फिर पुराने वाले को वापिस पीछे। और मैं अक्सर एक विद्यार्थियों को बात करता हूँ कि जैसे एक नोट्स है 10 पेज के, उसको आपने पहली बार पढ़ा 2-3 घंटे टाइम लगेंगे, 4 घंटे लग सकते हैं, दूसरी बार पढ़ोगे तो टाइम हो जाएगा, तीसरी बार में और आधा, एक समय ऐसा आएगा कि आप 10 पेज के नोट्स को केवल 4-5 पैराग्राफ की हेडिंग देखते पैराग्राफ याद, हाँ कि क्या है, चलो ये तो याद, परीक्षा में ये आता है कि लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ यहाँ लिखा हुआ होता है उसका, बिल्कुल बिल्कुल आता है, तो स्थिति आती है, प्रयास अभ्यास ही इन चीज़ों को बेहतर बहुत जरूरी है, और अभ्यास भी बिल्कुल उसका एक टाइमिंग होती है कि 4-5 दिन पढ़ के फिर 2 दिन अभ्यास करोगे ना, मजा आ जाएगा, अभ्यास के साथ में, सॉरी रिवीजन के साथ में अभ्यास करो, बिल्कुल। एक गणपत जी, मुझे ये बात याद आ रही है, जब मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी तब हमेशा सोने से
आधे पौन घंटे पहले, अब मेरे को नींद लेनी है, टाइम हो गया, एक टाइम 10 और 11 के बीच में सोना है, 11 12 के बीच में सोना है, तो मैं MCQs पढ़ता था, सोए पढ़ता था ताकि नींद भी आ जाए और कुछ अच्छा भी महसूस हो। हालांकि उस समय इतने MCQs के 2015 की वर्दी इतनी थे, अरिहंत की किताब आती थी, अरिहंत की यही थी, तो हमेशा फिक्स कर रखा था कि सोने से आधे घंटे पहले मुझे पुराने पेपर के प्रश्न देखने, मतलब देखने। ये अच्छा नियम था वैसे, तो ये भी एक तरीका। मैं ऐसे नहीं करता था, मैं टॉपिक जब पूरा हो गया, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया, टॉपिक पूरा होने के बाद मैं ऐसे रिलैक्स हो जाता, आज अब उठाओ आज ये टॉपिक, उसके अब आने दो, उसके प्रश्न आने दो, कोई भी प्रश्न, सारे प्रश्न देखे, क्रिकेट खेलते ना, आने दे अब तू बॉल, जैसे 10 प्रश्न नहीं मिले ना वो मैंने मेरे कंटेंट में ऐड करके ऐड कर दिए, ये सबसे बस मेरा काम। और जबरदस्त बात बताइए, कोई भी MCQs प्रश्न आप देखते हैं जो पेपर भर्तियां प्रश्न पत्रों आजकल तो विश्लेषण में, हाँ, जो प्रश्न नया लगता है वो आपको नोट्स में ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार तथ्य नहीं मिल पाते, पेपर्स में गलतियां भी आती है। हाँ, मैं खुद ठीक करता था, अपने पॉलिटिकल साइंस और इतिहास में भी आते हैं आलोचनात्मक विधि। आलोचनात्मक विधि का मतलब यही होता है कि किसी भी परंपरागत आने वाली वस्तुओं को हूबहू स्वीकार न करना, उस पर समालोचना करते हैं पॉलिटिकल साइंस, सीधा प्रश्न खड़ा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उसका, हाँ, प्रश्न खड़ा करने के बाद में हर पैमाने पे उसको कसौटी पे तोलना जरूर, फिर लगता है यहाँ ठीक है तो स्वीकार करना, नहीं ठीक है तो अस्वीकार करना। एक प्रश्न मैंने और बहुत जबरदस्त लिया है, क्योंकि मुझे इन दिनों में महसूस, मैं दो जब से मोबाइल लिया है फेसबुक बहुत अधिक चलाता हूँ, और मुझे इन दिनों महसूस हुआ कि मैं उसको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो मैंने फेसबुक जीवन में पहली बार अनइंस्टॉल कर दी है। बहुत बढ़िया। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, ऐसे स्टेटस, व्हाट्सएप वगैरह सब, इन सबको कैसे स्टूडेंट को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष तो महसूस किया है कि हम एक दिन में घंटों उस पर बिता देते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि इतना समय हमने वहाँ बिता दिया। फिर जब रात को देखते हैं कि नहीं, जितना काम पूरे दिन में करना था उतना नहीं हुआ, फिर कहाँ गलती हुई पता लगता है कि हमने यहाँ इतना टाइम दे दिया, यहाँ इतना टाइम दे दिया। फिर स्वीकार भी तो हम कहाँ करते हैं कि हमने गलती, हाँ नहीं नहीं वो तो आजकल मेरे जो भी मिलने वाले हो तो मैंने मोबाइल दो, सेटिंग में जाओ और स्क्रीन टाइम बताओ मुझे, क्योंकि 6 से 7 स्क्रीन टाइम का वो एक बार आपने फेसबुक पर डाला, उन्होंने आपसे पूछा भी था ये आपने कहाँ से निकाली, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, इन सोशल मीडिया में से क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, किससे हमें दूर रहना चाहिए। देखो होता क्या, जब हम किसी काम से सोशल मीडिया खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं गूगल में कुछ देखने के लिए, और हम भटक जाते हैं और दूसरा सब देख लेते हैं, दोबारा खोलते हैं वो देखने के लिए जो पहली बार था वो उसको भूल जाते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए, जो काम का कोई एप्लीकेशन है, जैसे टेलीग्राम आजकल बच्चों के काम, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, उसको छोड़ दो, यूट्यूब तो वैसे आपके इन बिल्ड एप्लीकेशन, उसको आप हटा नहीं सकते, ये बाकी की एप्लीकेशन है ना, बच्चों को तो क्या करना चाहिए, इन एप्लीकेशन के ऊपर लंबा हाथ रखना चाहिए, अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन यही है। नहीं करोगे तो जितनी भर्ती आ रही है ना उतने बच्चे इतना कर चुके हैं, बिल्कुल, बाकी बैठे रहेंगे यूं ही समय का। अक्सर आप एक बात और कहते हैं कि जितने की भर्ती है तैयारी उतने ही लोग करते हैं, उतने कर रहे हैं, बाकी केवल दिखावा, बाकी सोशल मीडिया पे वगैरह पे अपनी रेपुटेशन बढ़ाने में लगे हुए कि जैसे मैंने अभी पोस्ट नहीं की तो मेरे लाइक कम हो गए तो मैं दुनिया से पीछे रह जाऊंगा, पीछे रह जाऊंगा बेटा, एक पोस्ट पर जिस दिन सफलता मिलेगी तब आपके सारी चीजें बढ़ जाएगी, सब रिकवर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि मैं अक्सर समय सारणी कैसे बनाता था, प्रतिदिन सोते समय में अगले दिन का टाइम टेबल बनाता था, एक ही दिन का, कि कल मुझे कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, मेरी रणनीति ये थी प्रतिदिन की। और प्रतिदिन की रणनीति में मैं ये जरूर रखता था, क्योंकि केवल पढ़ने का काम होता था तो 9-10 घंटे आराम से एक दिन में पढ़ लेते थे, दूसरा कोई काम ही नहीं था। सही बात है। तो उसको मैं दो भागों में बड़े बड़े रूप में विभाजित करता था, 5 घंटे पहले, फिर 2-3 घंटे का बीच में गैप, 2 घंटे, और फिर 5 घंटे बाद में, फिर पहले भाग को फिर 2 भागों में विभाजित करता था, 2.5 घंटे, फिर 15 मिनट, फिर 2.5 घंटे, इस प्रकार से। क्या रणनीति सही रहती समय सारणी? हालांकि मैं ऐसे थोड़ा वास्ता कम रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति को जीवन जटिल नहीं बनाना चाहिए, आसान, ठीक है, ठीक। रात को सोते वक्त कभी भी कल का लिखित प्लान मत बनाओ, लिखित प्लान बेड़ियों की तरह होता है, बिल्कुल, उसमें से किसी एक सेगमेंट में आप चूक गए ना तो फिर वो दबाव बन जाता है, पूरा दिन गया, पूरा दिन हो जाता है। इसलिए बेहतर क्या होता है, जिस गति से आ रहे हैं चलने दीजिए, रात को सोते वक्त देख लीजिए सुबह मौर्य काल पढ़ना है, उसमें ये पढ़ना है, सोच के सो जाओ, सोच के सोना चाहिए, ठीक, और दूसरे दिन अपनी गति को वापस जारी रखो। बिल्कुल, टाइम टेबल तो कभी जिंदगी में नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, पर लोग क्या है कि समय सारणी में कोई टाइम टेबल के अनुसार चल नहीं पाया है, फिर ये लिखा जाता है कि कल से फॉलो करेंगे, कल से करें, आज 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 का दिन छोड़ दो, और फिर तीसरे दिन कॉपी के पिछले पेज फिर बढ़ा। जो भी विद्यार्थी जुड़े उनसे पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई क्या, सर थोड़े दिन से डिस्टर्ब चल रही है, कल से जो है मैं कंटिन्यू, कल कभी रात को सोते वक्त कल मुझे क्या करना है, खाका हो जाना चाहिए दिमाग में,
ऐसा नहीं है कि कल खुले सांड की तरह घूम रहा है, कुछ पता नहीं करना क्या है। करना क्या है माइंड में, रात को ये हो जाना चाहिए कि मुझे मेरे कल आपके आज के टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज मैं कल मैं घर से जब निकला था ना रात को, मैं सोच रहा था कि मुझे कल क्या करना है। मैंने कहा पहले मैं वहाँ उनके घर जाऊंगा, फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे, वहाँ प्रोग्राम में जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे, फिर अभी वहाँ एक जगह और जाना, वहाँ से निकलेंगे, एक जगह जाना है। मिनट टू मिनट पहले से अभी इसको मैंने लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, हाँ वो माइंड में दिमाग में है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा छोटे छोटे टारगेट रखने चाहिए और रात को सोते वक्त सेट कर देना चाहिए। बिल्कुल, लिखित में नहीं, लिखित में नहीं, ठीक है, इससे मजा आ जाता है और आपकी गति बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो जैसे अभी हम यहाँ आ रहे थे तो आपने कहा कि हमने जो सोचा उसे आधा घंटा अपन लेट ले, मैंने कहा इसको कैसे भी अपन निकालेंगे, लेकिन वीडियो के साथ गिलोटिन नहीं होगी। आज बड़े सालों के बाद में जो नहीं सोचा था, मैं देर रात घर पहुंच जाऊंगा, सालों के बाद में राजनीति विज्ञान के कब्जे में आए हैं इतिहासकार, तो पूरा इनका निचोड़ निकालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। राजनीति की तो बात करें, मैं इतिहास की बात करूं, खैर वो तो राजनीति वाला इतिहास हमने लिखा है। मैं पॉलिटिकल साइंस से और आप हिस्ट्री से हैं, तो राजनीति की इतिहास से परिचर्चा हो रही है। एक प्रश्न जो सबसे अधिक जो पूछा जा रहा है, फिर से हम अपने विषय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रतिनिधित्व, क्या प्रश्न आ रहा था बताइए। प्रश्न ये है कि राजकीय सेवा के साथ में तैयारी कैसे करें। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले अधिकांश विद्यार्थी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में है, और भी कई प्रकार के वैकेंसी वो जो है प्राइवेट संस्थाओं में भी काम, क्योंकि अभी भर्ती नहीं है तो हर कोई सब कुछ छोड़कर, क्योंकि सबकी आर्थिक परिस्थितियां अभी एक जैसी नहीं होती है, तो साइड में थोड़ा बहुत उनको कामकाज भी, मैंने खुद ने 11 वर्षों तक प्राइवेट स्कूल में काम किया है, इसको तो आप बहुत अच्छा बता सकते हो। पर मुझे लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कभी ऐसा मुझे लगा आपसे ये प्रश्न थोड़ा इतर मानता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ कि कामकाजी महिलाएं और सेवारत पुरुष, हाँ महिलाओं के तो वो, हाँ तो सेवारत महिला है तो और भी मुश्किल, इनको टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है, निकालना होता है। अब कैसे निकाल सकते हो ये आपके ऊपर है, सुबह जल्दी उठ के 2-3 घंटे निकालो, रात को थोड़ा लेट सो के 2-3 घंटे निकालो। बिल्कुल बिल्कुल। 5-6 घंटे अनावश्यक चीजें उसको बिल्कुल, ठीक है, ऑफ होता है जिस दिन आपका कार्यालय, उस दिन को और बुनाओ अच्छी तरीके, बढ़िया तरीके से, सप्ताह महीने में 4-5 दिन ऐसे बुना लोगे, डेली 2-3 घंटे की डेली पढ़ाई हो जाएगी, और जब एग्जाम नजदीक आ जाते हैं तो बिल्कुल मैंने कहा ऑफ ले लो। और आप चूंकि सेवा में हैं, ये प्रश्न पूछा था कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्जाम से पहले हमारी क्या, क्योंकि आप सेवा में हैं तो आपका लेवल तो अच्छा ही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इतने अच्छे लेवल वाले को इतना हो गया तो हो जाएगा आराम से। हाँ यदि आप पहले से राजकीय सेवा में, इसका मतलब एक स्टेप आपने पार कर रखा है, आप डेली 4 घंटे करते हो ना तो भी खूब, एक नए बच्चे की 12 घंटे की पढ़ाई से आपके 3 घंटे इफेक्टिव, क्योंकि उन्होंने जो अपना नींव तो तैयार कर रखी है, कर रखी है। और फिर जिसमें बीच में हॉलीडे जितने आते हैं ना उनको बनाओ ना आप, हॉलीडे क्यों स्नान करते हो, हॉलीडे के खूब हॉलीडे आते हैं, मैं बस वो याद नहीं रविवार को भी स्नान किया होगा, क्योंकि मैं रविवार को स्नान भी नहीं किया, कभी नहीं किया समय बचाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आज मेरे को पूरे दिन के 7 दिन का गैप निकालना है। क्या बात है भाई, 4-4 घंटे तो पढ़ाई हो रखी है, अब 2-2 घंटे की कम पड़ी है तो 6 घंटे के 12 घंटे निकालने आज, तब जाके मेरा पूरा कोटा होगा। ये स्नान से मुझे एक बात याद आई, एक दिन मैं सुबह 5-6 बजे बैठे हैं, रात को 10-11 बजे रात रविवार को तो किसी से मिलना नहीं था। ये स्थिति कब आती है, जब विषय में आपकी रुचि होती है, टारगेट जो आपने निर्धारित किया रुचि के वैसे सिलेक्शन कुछ कुछ भी नहीं होता है, तो टीचर का काम एक ही होता है कि पढ़ाई में थोपा नहीं जाता, वैसे विषय में रुचि उत्पन्न करें। मैं इस बात को भी हमेशा कहता हूँ, एक बहुत जबरदस्त सलाह मुझे आपने दी, मैं हर बार आपके साथ जिक्र करता हूँ कि कक्षा 12 की एनसीईआरटी मैंने यूट्यूब पर पढ़ाई, कक्षा 9 से 12 की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वर्तमान में जो चल रही है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनकी क्या उपयोगिता है, कितनी प्रासंगिक है और किस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल साइंस में जो पेपर हुए हैं पिछले, उनमें 13 से 15 प्रश्न लाइन टू लाइन में से पूछे गए, 12th की, मैं 12th की बात कर रहा हूँ, 9 से 12th की आप पूरी वजह से समीक्षा। देखो मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि पहली चीज़, अगर आप एनसीईआरटी इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, तो आप गलत कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो आप कह रहे हो ना 10-15 प्रश्न वो कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, दूसरी जगह से भी मिल जाएंगे, उसके लिए ये 6 से 9 से 12 तक की 5-7 किताबें पढ़ना यूजलेस हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उनके लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको विषय समझना है तो आपको पढ़ना चाहिए, ताकि उसकी आपको शब्दावली समझ में आएगी, फंडे समझ में आएंगे, कंसेप्ट समझ में आएंगे और आपका विषय है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए नहीं पढ़े कि मुझे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देना है, वो बिना एनसीईआरटी भी पास हो जाओगे आप, हाँ, लेकिन इसलिए पढ़े हैं कि आपको सब्जेक्ट को समझना है, उसके बिना आपके कहीं ना कहीं नींव कमजोर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं स्टूडेंट को ही कहता हूँ, मुझे कई बच्चे कहते हैं सर फर्स्ट ग्रेड में उसका क्या रोल है, मैं कहता हूँ कोई रोल नहीं है, नहीं पढ़ेगा तो भी नौकरी लग जाएगी,
तो मुझे पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? मैं कहता हूँ पढ़ ले, क्यों? क्योंकि इससे तेरे शब्दावली अच्छी हो जाएगी, इतिहास की कई ऐसी बातें समझ में आएगी जो कभी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वो बच्चों के हिसाब से कुछ यूनिक चीज़ें, कई सारी चीज़ें आती है। तो आप उस हिसाब से ना पढ़ें कि परीक्षा में काम आएगी, बट उस हिसाब से पढ़ें कि मुझे विषय को जीना है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी, उससे पहले मैंने 11 वर्षों तक प्राइवेट स्कूल में काम किया, एनसीईआरटी को भी पढ़ाया था और दोनों पाठ्यक्रम को मैंने। और आपका तो पेपर जो आया था ना 16 वाला, वो तो बेसिकली इसी पे आया था, पूरा पेपर ही पूरा उसी पे था। तो उससे क्या है कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे जो सर पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो एकदम क्लियर है। और मैं मानता हूँ कि मेरे चयन में 11वीं 12वीं की जो किताबें थी एनसीईआरटी और आरबीसी की, उसका बहुत जबरदस्त पेपर के लेवल आ रहे हैं, पेपर बहुत इजी था वो एनसीईआरटी। आजकल जो हमारे पॉलिटिकल साइंस में तो 2015 की भर्ती का जो 16 में पेपर हुआ था, और आज जो पेपर आ रहे हैं वो उसका तो मुझे लगता है कि एक ने प्रश्न पूछा मुझे कि सर आप गणपत जी से प्रश्न पूछना कि पॉलिटिकल साइंस में जो प्रश्न पेपर आ रहे हैं आजकल उसको कैसे। मैंने कहा भाई ये प्रश्न गणपत जी से पूछना वैसे प्रासंगिक नहीं रहेगा, ये विषय का पेपर है और इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। नई किताबों से प्रश्न आ रहे हैं उन किताबों को पढ़ना होता है, जो परंपरागत जो हमारे अध्ययन जो सामग्री थी उसको हमें परिवर्तित करनी होगी। हाँ ये तो है, देखो समय के साथ फोन समय के साथ में हम चीजों फोन भी अपडेट होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के भी आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल, आपने अच्छा काम किया है उस पे एनसीईआरटी पे। हाँ मैंने मेरे चैनल पे भी, पर ये केवल आपके सुझाव के कारण मैंने, क्योंकि है ना जैसे ये काम मैं शुरू कर चुका था 3 साल पहले, मैंने छठी की एनसीईआरटी पढ़ाई, इतना रिस्पॉन्स मिला बच्चों का, फिर मैं खुद बिजी हो गया। अब मैं आगे जुलाई में वापस उसको पढ़ाना शुरू करूंगा जी। मुझे पता है क्या लगता है कि हर बच्चे को पढ़नी चाहिए ये, पहले सब्जेक्ट अच्छा कर लो फिर पढ़ लो, खाली टाइम में पढ़ लो, 2 महीने का काम। और मेरे तो महत्वपूर्ण बात है कि 12th के बच्चों के तो उपयोगी है ही है, उनके तो है ही है, प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित हो रही है। मैंने उसको कंप्लीट पढ़ा रखा है, पहले लेसन से लगाकर 18 थोड़े से बच्चों की कंसेप्ट अच्छे हो जाते हैं, बड़े प्यारे तरीके से समझाइए। धन्यवाद, ये तो आपका स्नेह है और बना रहे। 1-2 डिग्री एक साथ, ये हालांकि आपने एक अलग से वीडियो भी डाल रखा, लेकिन मैं चाहता हूँ 1-2 मिनट में इसको एक बार फिर से रिपीट कर दें आप। देखो 2 डिग्री का काफ़ी विवाद है, लेकिन मैं अभी आपको एक बात बता दूं, एक नया नोटिफिकेशन आया था ना, हाँ उसके अनुसार वीडियो डाला था और वीडियो भी डाला हुआ है, फिर भी मैं शॉर्ट में कह दूं, बस 2 आप रेगुलर मत करो साथ में, बाकी और यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी, हालांकि एक यूनिवर्सिटी से भी आजकल हो जाता है। हाँ बट एक यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कत आती है, ABC ID मांग लेते हैं। हाँ, एक यूनिवर्सिटी में कई बार दिक्कत ये आती है कि बाद में RPC कह देती है कि यूनिवर्सिटी ने आपको भी अनुमति दी है तो वो लिखवा के लाओ, राजस्थान यूनिवर्सिटी से लिखवा के लाओ, कई बार RPC मांग लेती है। बिल्कुल, तो कोशिश ये करो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी से कर लो, एक रेगुलर कहीं से भी कर लो। हाँ बिल्कुल मान्य, और इस बार तो मेरे लगभग हिस्ट्री में जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है ना तो 50% बच्चे ऐसे अधिकांश, क्योंकि आजकल BEd के साथ MA स्टूडेंट करना चाहता है वो दिक्कत ही नहीं है, अभी तो UGC ने भी मान्यता दी। हाँ और सब पहले पहले ये चीज थी नहीं, हमने सोचा ही नहीं था कभी ये दोनों साथ हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर पहले 1 साल की BEd थी तो आवश्यकता, अभी तो आपको पता 2 रेगुलर की भी मान्यता दे दी है, बस अच्छा शिफ्ट अलग होनी चाहिए, एक मॉर्निंग शिफ्ट में एक इवनिंग में होना चाहिए, एक टाइम में तो दो चीज दिक्कत ही नहीं। अब सरकार ने खूब आसान कर दी सारी, इसमें किसी की पोस्टिंग नहीं अटकी कि मैं आपके आदेश करवा दूंगा कहीं से, RPSC से अटकने नहीं दूंगा। एक और बात है, BA में विषय अलग है, विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी MA कला वर्ग के विषय से कर लेता है, हमारा इसमें का टॉपर भी साइंस का है। हाँ आपका वीडियो देखा मैंने रात को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए केवल मास्टर्स में क्या सब्जेक्ट है वो केवल वही मायने रखता है, अब BEd आपने किस कोई क्या उसका अच्छा, कोई BEd के सब्जेक्ट तो कहीं मायने नहीं रखते, मायने नहीं रखते हैं, सेकंड ग्रेड में भी नहीं रखते BEd के बिल्कुल बिल्कुल ना, थर्ड ग्रेड में रखते हैं। BEd के अंदर जो सब्जेक्ट कॉलेज आपको वही देता है जो कॉलेज में अवेलेबल है, और कॉलेज आपको मेरिट से आवंटित होता है। सही है सही है, इसलिए आपका ग्रेजुएशन तो उसका कोई रहा है वो मैटर करता है। एक न्यूनतम प्रतिशत फर्स्ट ग्रेड के लिए ये प्रश्न भी आता है, यूं होता है कि जिसमें जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग है ना अलग काम करता है, सामान्य शिक्षा विभाग अलग काम करता है, सामान्य शिक्षा विभाग और विशेष शिक्षा साथ में है, इनकी रूलिंग दोनों की अलग है। संस्कृत शिक्षा विभाग में परसेंटेज अनिवार्य, लगभग मेरे साथ 48% है, लेकिन सामान्य शिक्षा विभाग में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप परीक्षा पास है तो बस जाओगे। तो इसमें ये कुछ सामान्य शिक्षा में कभी भी 48 का नियम आएगा भी नहीं, उसका रीजन ये है कि सामान्य शिक्षा में बड़े पैमाने पर भर्ती होती है, ओपन कॉम्पिटिशन है, 5-7 लाख बच्चे होते हैं, 48% वाले नहीं मिलेंगे इनको, बहुत व्यापक विरोध हो सकता है,
इसलिए ये रूल्स कभी सामान्य शिक्षा में नहीं आएगा। संस्कृत शिक्षा में ये रूल 5-6 साल से चल रहा है। अच्छा, उससे क्या स्टूडेंट बहुत अधिक भ्रमित हो रहे हैं। मैंने एक बार टेलीग्राम पोस्ट लिखी थी, मैंने टेंशन मत, कुछ क्या है कि यूट्यूब पर भी है ना आजकल मोटिवेटर बहुत है। तो वो क्या एक लाइन भी यदि पूरी बात समझे बिना कूद पड़ते हैं आके जल्दी से जल्दी वीडियो, कोई भी नया इशू होता है आपके वीडियो का हम सब इंतजार करते हैं और विद्यार्थी भी इंतजार करते हैं, लेकिन आप पूरा उसका देखता हूँ। हाँ, उसके बाद ही आप समझता हूँ, फिर मैं मेरा मत रख, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आंख मूंद कर बच्चे विश्वास करते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति है तो आपको बात बड़ी जिम्मेदारी से रखनी पड़ती है, वो मैं महसूस होना चाहिए। इस वजह से मैं हर मोटिवेटर को भी यही कहता हूँ, भाई जितने भी आप यूट्यूब पर पढ़ाते हो, आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमेशा वही बात रखो जो सच में है, और आपको पता नहीं होता तो कह दो भाई देखो इस बारे में हमारे को जानकारी नहीं। हाँ, जरूर थोड़ी कि हर चीज़ के आप एक्सपर्ट हो, जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती वहाँ मुंह बंद रखना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज भ्रमित वहाँ से हो जाते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं था, आपने कहा 10th में मेरे 49%, हाँ तो मेरे 53% है, शायद काफ़ी को जानकारी नहीं हो, मैं बता दूँ स्नातक में भी आपके कम प्रतिशत है। स्नातक में 56 थे। हाँ, क्या 10th और 12th के प्रतिशत की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की कहीं भूमिका होती है, इसका कोई लेना देना? कोई लेना देना, कोई लेना देना, बस आप फॉर्म भरने के पात्र होने चाहिए। बस फॉर्म भरने के पात्र, परसेंटेज मैटर करते थे आपका उस समय ग्रुप कैसा था। आप उस समय कहीं रोल आवारा ग्रुप में तो नहीं क्या उस समय कहीं आप कोई मार्गदर्शन आपको ठीक से मिला, उस समय आपको कोई शिक्षक अच्छे नहीं मिले कि नहीं मिले, ऐसी भी स्थिति आती है, परसेंटेज उन चीजों से प्रभावित होते थे। कंपटीशन की यात्रा नई यात्रा, हो सकता उस समय पढ़ने में रुचि नहीं थी, आज आपकी पढ़ने में रुचि है। मेरे तो कक्षा 11th में आने के बाद पढ़ने में रुचि थी, उससे पहले तो क्रिकेट ही खेलते थे 365 दिन, तो इसलिए वो परसेंटेज मैटर नहीं करते, विषय में रुचि होनी चाहिए। विज्ञान पढ़ाता हूँ 94% वालों को, कोचिंग पढ़ाता हूँ उनका दुर्भाग्य देखो 9 पीछे लगा हुआ मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मन में प्रश्न रहता है कि हम विज्ञान वर्ग से कला वर्ग के विषय में फर्स्ट ग्रेड फाइट कर रहे हैं, तो कहीं वो इतने वर्षों से फर्स्ट ग्रेड का अध्ययन, इनके अपने सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, हम केवल 2 साल हमने वो भी गैस पेपर देकर एग्जाम दिया है, तो क्या हम उसमें अच्छा कर पाएंगे? ये मेरे पास बहुत अधिक प्रश्न आता है। हर बार ये लगता है कि हमारी 10th क्लास में जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं ना वो साइंस लेते थे। हाँ, ये तो आज भी हम लोगों को आज थोड़ी परंपरा बदली है, हम लोगों को आर्ट्स पकड़ाई थी क्योंकि हम पढ़ाई में कमजोर थे, ये कहा गया था हमें। तो साइंस के बच्चे पहली बात तो ये कि अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, उन्होंने साइंस इतनी रट रखी है क्योंकि समझनी साइंस तो हर किसी के बस की बात नहीं। तो वो अच्छी है, वो याद करने की क्षमता उनकी अच्छी है, समझा है वो तो डॉक्टर और अच्छे जगह इंजीनियर बन गए। हाँ। बाकी के साइंस के लोग रटते ही हैं। सही है, पहली बात। दूसरी बात, ये होते भी स्मार्ट है, पढ़ने के तरीके भी ठीक ठाक होते हैं। बोले तो उनका मेरा एक पता क्या अनुभव है कि साइंस के बच्चे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को कुछ महीनों में घोट जाते हैं, जो आर्ट्स वालों को समय ज्यादा लगता है। उसका एक बड़ा कारण है, आर्ट्स वाला अपने शिक्षक पे भरोसा भी नहीं करता, उसके 50 किताबें लेके आता है, वो साइंस वाले को पता है आप पढ़ रहे हैं इसको पढ़ना है, और मुझे इससे आ गया उसको आइडिया ही नहीं है, इससे आ गया तो गलत करूंगा, नहीं आया तो फिर देखेंगे देखेंगे। तो भरोसा करके उतना पढ़ के जाते हैं। यही कारण है कि इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल में अधिकतम जो सिलेक्शन होता है टॉपर सारे साइंस के, जो सारे से आते हैं, क्योंकि वो भरोसा करके उतना रट लेते हैं। हम ये मानते हैं कि जो थ्रू आउट आर्ट्स मीडियम का रहा हुआ है उसकी सब्जेक्ट पे गहराई अच्छी होगी, लेकिन हम ये भी स्वीकार करते हैं कि सिलेक्शन वो लेके जाएगा, क्योंकि फैक्ट याद, वो फैक्ट याद कर लेगा, रट लेगा, लिमिटेड पढ़ता है उसको बहुत ढंग से कर देता है। एक प्रश्न मुझे आपसे जुड़ा हुआ फिर याद आ गया, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मैनेजमेंट, चार विषय पर आपने किस प्रकार समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, विषय पर आपने अपनी कमांड, जैसे हमसे तो पॉलिटिकल साइंस नहीं समझ रही जिस प्रकार से पेपर आ रहे हैं। क्या कहते हैं ना कि आदमी का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है जब वो संकट में आता है, ठीक है, तो अपने आप व्यक्ति काम करता है। हाँ, इनकी 13-14 में कोचिंग पढ़ाने गया, आवश्यकता आविष्कार की जन नहीं है, पढ़ाने गया तो हमने सेकंड ग्रेड का बैच लिया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फैकल्टी नहीं मिली, तो फिर मेरी मजबूरी है मुझे पढ़ाना पड़ा, मैंने शानदार पढ़ाया। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड से 18 में मैंने सोशियोलॉजी पढ़ाया क्योंकि फैकल्टी नहीं मिली। हाँ। पढ़ा लिया सर, अच्छा पढ़ाया और प्रश्न भी आए। अर्थशास्त्र मेरा विषय रहा था ग्रेजुएशन में, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें मुझे कभी दिक्कत रही नहीं। ज्योग्राफी मेरा आईएएस मेंस में मैंने रखा था क्योंकि ज्योग्राफी में गौरव से प्रभावित होकर मैंने पढ़ा था और फिर ज्योग्राफी बड़ा अच्छा भी लगता था, तो 3 सब्जेक्ट तो मैंने लंबे समय पढ़े, बाकी के सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ा। आज आप, मैं पॉलिटिकल साइंस को सबसे पढ़ा, अरे पॉलिटिकल साइंस को छोड़ दीजिए आप हमारे लिए लेकिन अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा मुझे मेरी पूरी ऊर्जा हिस्ट्री भी लगा इतिहास, लेकिन मेरा कहने का सेंस ये है कि एक शिक्षक, एक शिक्षक
मानविकी का शिक्षक मानविकी का कोई भी विषय पढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको क्योंकि पढ़ाना एक शैली है, वो उसमें शैली यदि है तो उसको सिर्फ कंटेंटों को तो एकत्रित किया जा सकता आराम से किया अच्छी किताबों के। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि सिक्कर से मेरे कोई मिलने वाले थे, उन्होंने सेकंड ग्रेड के लिए मैंने आपसे उनसे जुड़ने के लिए कहा, अब सेकंड ग्रेड में उन्होंने आपसे भूगोल पढ़ ली, पॉलिटिकल साइंस में हमारे वो पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट ग्रेड फाइट कर रहे थे, एमए पॉलिटिकल साइंस में है, तो आपसे भूगोल पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो फर्स्ट ग्रेड में भूगोल से फाइट करूंगी। अरे मैंने कहा नुकसान हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि गणपत सिंह जी फर्स्ट ग्रेड भूगोल से क्यों नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा अन्य लोगों के लिए छोड़ रखी है, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। मैं सेकंड ग्रेड ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे इस कन्फ्यूज में रहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स के हैं कि ज्योग्राफी के हैं इतिहास के हैं, क्योंकि दुआ से तीनों में मेरा नेट है, तो डेफिनेटली तीन सब्जेक्ट पे मैं समान पकड़ रखता हूँ। बिल्कुल नहीं, वो तो स्टूडेंट तो फिर अब मैंने 18 के बाद है ना, जब मैं हिस्ट्री में प्रोफेसर बना ना, उसके बाद मैंने ये दोनों सब्जेक्ट छोड़ दिए। अच्छा, अब मैं केवल सेकंड ग्रेड के लेवल तक पढ़ाता हूँ, फिर अब मैं ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता, मैं मेरे सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। आपने अपने विषय का एक, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नाम मेरी आइडेंटिटी इस विषय में, तो इस विषय की सेवा करूँगा आपने। बिल्कुल, तो उसमें और ज़्यादा बेहतर कर, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। इतिहास में मैं डूब के मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो तो मैं क्या हो सकता है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को मैं बस टेस्ट चेंज करने के लिए बना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सबसे अधिक विद्यार्थियों की चिंता है, खैर सब्जेक्ट तो वो अपने स्तर पर तैयार कर रहे हैं, नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसको कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें? नेट के फर्स्ट पेपर की मैं मानता हूँ कोचिंग तो कभी जिंदगी में करनी नहीं चाहिए, और पढ़ाते नहीं पढ़ाने वालों को भी 40-35 नंबर नहीं आएंगे। हाँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपके मदान या दृष्टि किसी की कोई एक किताब ले लो, ठीक है ठीक है, उसमें कुछ मोटा मोटा मदान है, मदान कह रहे हो ना, के मदान पीएसएम आती है, पायनियर की आती है, थोड़ा उसके अभ्यास प्रयास कर लो, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो 25-27 नंबर आ जाते हैं। दूसरे पुराने जो पेपर हुए हैं 4-5 सालों में फर्स्ट पेपर के, बहुत सारे हो रखे हैं, वो सारे मदान के पीछे लिए हुए दे रखे हैं, उसका अभ्यास कर लो बस, बाकी इसके अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग से एक टॉपिक, क्योंकि 5-7 रीजनिंग के सवाल आते हैं, 5-7 नंबर गद्यांश आता है, 5-7 भाषा के होते हैं, ऐसे करके आराम से। अभी मैं नेट दे के आया था, आर्कियोलॉजी मेरे 36 नंबर थे। अच्छा, फर्स्ट पेपर में। अब मैं तो ये चेक करने गया था कि कैसा आता है, जबकि वो उसमें कुछ था ही नहीं। बिल्कुल, जो 36 थे या 35 थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, बट मेरे 70% नंबर थे। अच्छा, जबकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं जाके वहाँ देख रहा था, उदयपुर सेंटर आया था ऑनलाइन पेपर, तो मैं सिर्फ देखने गया था कि आजकल बच्चे क्या फेस कर रहे हैं, क्योंकि 12 के बाद मैंने नेट नहीं दिया। अच्छा, तो अभी यूजीसी का टाइम दिया था, इस पर मैं एनटी का लेके आया। क्या बात है, तो मुझे भी देना चाहिए। मैं 2-3 बार लेके आया हूँ, ख्याल हुआ एक दो जगह पर कहा नहीं किसी को, व्यक्ति असफलता छपाता है ना, असफलता सफलता का संदेश लेकर आती है हमारे हिंदी के। मैं यूं ही गया था देने के लिए, मैं पास होता तो मुझे दुख होता, क्योंकि यार जो मेहनत कर रहे हैं उसका एक, आप तो यूं ही, क्योंकि वो तो निश्चित होती है कि इतने नेट इतने जेआरएफ वगैरह, 6% देना होता है, फिर अपन किसी का क्यों आंख मारे, कोई योग जरूरतमंद भी तो होगा, लेकिन पेपर तो दे ही सकते हैं अपने, इससे अपने को भी अपडेट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न मेरा लगभग इसी से संबंधित है, हमारे हिंदी के शिक्षक मेरे साथ काम करते थे, वो हमेशा कहा करते थे कि असफलता सफलता का संदेश लेकर आती है। आजकल वो तभी जब व्यक्ति असफलता को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, नहीं तो वो बहाने बना लेता है ना, सरकार पे डाल के बैठा गया ना, तो कोई संदेश संदेश नहीं, तो संदेश कोई संदेश नहीं है। स्टूडेंट बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो पहली बार में किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। पहली बार में जो करता है वो कम से कम 3-4 साल से पढ़ रहा होता है। हाँ, बाकी वो चाहता है कि 6 महीने में, वो अपवाद हर जगह हो सकते हैं। एक विद्यार्थी भी नहीं होता सर, 5-6 महीने में नौकरियां नहीं लगती, नहीं लगती है। 3-4 आज के आज का जिस प्रकार का चल रहा है, ऐसे तो मैं कहता हूँ कि मैंने 16 वाले में आरएएस मेंस फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर तीनों 3-4 महीने के भीतर भीतर पास किए थे, पर वो आपके उसकी पीछे लंबी साधना, साल की तैयारी लंबी साधना थी। एक भर्ती में असफल होने के बाद में ढंग से कुछ विद्यार्थी तैयारी करते हैं, कुछ नंबर से रह जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, उनके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। आपका क्या, क्या कहना है इस संदर्भ में? मैं सिर्फ इतना मानता हूँ, असफलता के बाद विद्यार्थी कैसे अपने आप को, असफलता के बाद एक व्यक्ति को अपने आप को अपने रूम में बंद कर देना चाहिए, एक दिन के लिए सोचना चाहिए उसको, रात को बैठ के, दिन में नहीं सोचना, दिन में व्यक्ति कई चीज़ों से प्रभावित होता है, रात में अक्सर व्यक्ति सच्चाई सोचता है,
अक्सर 11-12 क्योंकि वो माहौल को जो सोचा जाता है ना, हाँ, वो उस व्यक्ति के जीवन की सच्चाइयाँ होती है। ये रात के नाम से मुझे एक प्रश्न याद आ गया। मैं कक्षा 10th 11th 12th करके बाहर पुनः गया था मिठाई की इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर, रात को होता है, तो फिर मैं रूम पर जा रहा था तो मुझे एक चौराहे पर मैंने बैठा तय किया कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। एक घंटा विचार करने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। फिर अपने शिक्षक से बात की, गुरुजी से बात की, उन्होंने कहा तू आगे पढ़ ले, कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर दे, तो यहाँ तक की सफर यात्रा है। तो रात को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, एक दिन तो यही करना चाहिए, और उसके बाद उसको पुनः बहुत, वो घायल शेर का प्रहार बड़ा भयंकर होता है, वो बच्चा टॉप करेगा अगर ढंग से लग गया ना अगली परीक्षा तक। हिंदी में मैं एक ऐसा बच्चा जानता हूँ जो प्रोफेसर में पिछली बार कुछ मार्जिन से रहा है, और इस बार जिसका उसका जो स्कोर मैंने सुना है उससे वो टॉप 5 में आ रहा है। क्या बात है। मैं ये बात कहता हूँ कि जो इस भर्ती पिछली भर्ती में जो असफल हुआ वही वही तो अगली भर्ती में फर्स्ट रैंक लेकर आएगा। वो तभी लाएगा जब उस दिन के बाद से वो रुदन रोना नहीं रोएगा, बल्कि खुद को मजबूत करके लगेगा कि मैं एक पात्र नहीं था, मैं इसके योग्य नहीं था, इसलिए बाहर हुआ, और योग्य बनाऊंगा तो अंदर हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए उस रात को, कहाँ कमियाँ रही। और मैं आपको बात बताऊँ सुरेंद्र जी, लड़के लड़कियाँ अभ्यर्थी सारे, अधिकतर अभ्यर्थियों की हालत ये है कि उन्होंने सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ रखा है, ये कह के इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ये बाद में देख लेंगे, इसमें आता नहीं है, ऐसे कर करके 10-20 टॉपिक छोड़ रखे। बिल्कुल बिल्कुल। अब 70% सिलेबस पढ़ा है, उसमें से 50-40% आ जाएंगे, फेल होना ही है, फिर तो सम्मानजनक तरीके से फेल होंगे। अब आप उस टॉपिक की लिस्ट बना के बच्चों को कहोगे ना, आपको बताओगे इसमें कितने टॉपिक आपने कम किए, उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने कौन से टॉपिक छोड़ रखे हैं, वो भी नहीं आइडिया है। आप ऐसी स्थिति में आप तो पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, एक एक बिंदु को तैयार, और एक सब्जेक्ट का क्रम होता है हमारे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में गणित में अपना हाथ तंग है तो छोड़ो छोड़ो, लेकिन सब्जेक्ट में तो आप कैसे छोड़ सकते हो। सब्जेक्ट में तो आपको हर चीज को, आपने गणित छोड़ी उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब्जेक्ट में छोड़ के बैठे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से 3 सवाल आते हैं, छोड़ दो ये कोई बात थोड़ी भी, छोड़ दो ऐसे छोड़ छोड़ के लास्ट में 20 छोड़ दोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 130 अटेंड करने की स्थिति में वहां नंबर नहीं आएंगे। ये सुधार करना चाहिए, बाकी दिमाग वमाग कुछ नहीं, सारी चीजें समान है। एक इसी से मिलता जुलता और प्रश्न है कि लगभग 1-1.5 साल तक एक गंभीर विद्यार्थी तैयारी करता है, उस 1-1.5 साल में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती है कि वो हताश निराश होना है, आसपास के वातावरण से कई प्रकार के नेगेटिव माहौल भी हो जाता है, तो उस स्थिति में कैसे वो लगातार नियमित। पहली बात तो ये कि व्यक्ति को गंभीर नहीं होना चाहिए, तैयारी को गंभीर तरीके से करना चाहिए। ठीक है। अगर वो खुद गंभीर होगा तो स्ट्रेस में जाएगा। तैयारी को गंभीर तरीके से करना जरूरी होता है। तैयारी गंभीर तरीके से कैसे होगी, भले दिन में 4-5 घंटे बैठे, नियमितता होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी अलग चीज है, कंसिस्टेंसी अलग है। कंटिन्यूटी ये है कि मैं कितने दिन लगातार पढ़ रहा हूँ। ठीक है। कंसिस्टेंसी ये है कि मैं परीक्षा तक पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, वहाँ तक, अंत समय तक। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे कंसिस्टेंसी क्या है, जैसे आपके 10th में 80% बने, 11th में आप 50 पे आ गए, कंसिस्टेंसी नहीं है। बिल्कुल। आप 80-85 इसकी रेंज में रहने, मतलब आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो बच्चा फेल नहीं होता। तो जब ऐसी स्थिति आती है, फेल हो जाता है ना, तो उसको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, डिसीजन पे वापस मूल्यांकन करना चाहिए, किसी समझदार व्यक्ति से बात करनी चाहिए, और फिर अपने सोर्स को देखना चाहिए। कई बार तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि उसके मटेरियल से सवाल कितने आए, गलती हाँ, उसकी है, पुराने पेपर के अनुसार पूरा विश्लेषण होना चाहिए। एक बार किस भाग से बच्चा मेरे पास आया, इतिहास का एक बच्चा आया मेरे को कहा कि सर मैं 3 बार फर्स्ट ग्रेड में फेल हो गया हूँ, मैंने फलाने फलाने कोचिंग से कोचिंग वगैरह की है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा अब क्या करें बताओ, तो उन्होंने कहा कि सर, तो मैंने कहा तू ऐसे कर, 2 काम कर, पहले तो ये काम कर कि तेरे जो नोट्स है ना फलाना फलाना कोचिंग के, वो और पेपर देख के आप कितने परसेंट सवाल आए हैं, और दूसरा ये बताया कि अगर वहां से 80% से ऊपर आए हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ तेरी गलती है, कोचिंग की गलती नहीं है। बिल्कुल। दूसरे दिन आया सर परसेंट, उसने मुझे 50-55 के आसपास बताया, आधे तो सवाल ही नहीं आए। मैंने उसी भरोसे तो 4 साल से बैठा है, फेल इसलिए हुआ। आपको यानी कि कंटेंट पे भरोसा करने से पहले उसको तोलना चाहिए, तरह भर्ती में उसकी अच्छी रैंक है, रैंक नहीं बोलूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तराजू में तोलना चाहिए, कंटेंट बेहतर होना चाहिए जहाँ भी आप विश्वास। आप एक शिक्षक का मूल्यांकन तभी कर पाएंगे जब आप दूसरे शिक्षक को देखोगे, तब पता चलेगा कि पिछले वाला कैसा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे अंधविश्वास करके आगे बढ़ोगे तो आप समझदार तो नहीं है। थोड़ा देखना चाहिए, पुराने पेपर से चेक करो आप। मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों कहता हूँ
कि आप 70 साल के पुराने पेपर लाके सारे देखो गणपत सिंह के कंटेंट कितने प्रतिशत आपको 80-90% नहीं मिलते हैं तो भरोसा मत करो। हाँ, कम से कम फिर तो मैं 85% के साथ जाता हूँ YouTube पे करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फेल हुए। अब आज पिछले मैच में मेरे बच्चे जो भी फेल हुए उन्होंने क्या पता क्या बोला, सर गलती जो फेल हुए थे हमारी गलती से। और आपने अपने तो फिक्स है, आपसे तो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर पद ही है। तो थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ा सा भावनाओं के साथ में नहीं, भावनाओं के साथ नहीं, थोड़ा सा मस्तिष्क से भी सोच। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार की भावना। मार्केट के कस्टमर बनोगे तो कोई भी यूज ले लेगा। आपके इतिहास के पेपर की तो क्या स्थिति मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हमारे पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे होते हैं फैक्ट, और पेपर भी आजकल बहुत अधिक तथ्यात्मक आने लगे। समीक्षाएं पढ़नी पड़ती है किसके बारे में किसने क्या कहा है। प्रयास कर रहे हैं, बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, उन पुस्तकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनसे कंटेंट ले रहे हैं, जहां से प्रश्न आए फैक्ट को याद कैसे करें इतने सारे फैक्ट को। देखो विद्यार्थी की सीमा, मुझे आपका नाम इसलिए याद है कि मैंने कई बार बोल दिया है। एक बार आप मिलते तो शायद मुझे आपका नाम दूसरी बार में याद नहीं आता। सही है, यही तरीका है। बार 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 पढ़ो। मैं कभी वृंद की पंक्तियां कहता हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर होते निशान। और क्या, एक रस्सी भी पत्थर पे निशान कर देती है बार बार चीजों को। क्या होता है कि आप विश्लेषण पढ़ते हैं ना, तो विश्लेषण के साथ फैक्ट को अड़ा के पढ़ो आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें तो साथ में आ जाता है। जैसे प्लेटो पढ़ रहे हैं कि प्लेटो ने रिपब्लिक में ये बात लिखी, याद हो गया ना रिपब्लिक प्लेटो की। एक मैं तरीका और भी बताता हूँ कि बातों को किसी न किसी चीजें जोड़ दिया करो। कुछ फैक्ट्स तो हमारे आसियान के 10 देश है, तो उन 10 देशों को आप एक कहानी बना के, जैसे मैं इसमें कमला विदा इमली थासी एक सूत्र भी बताता हूँ बच्चों को, सबको पता है ऐसे। बाकी आप ऐसे तो मैपिंग से भी कर सकते हैं कि मैप में देख लोगे, मैप साउथ ईस्ट में कौन से मैप में देखा जा सकता है, फैक्ट को किसी चीज से जोड़ा जा सकता है। वर्ष जो होते हैं उस वर्ष के आसपास की कुछ घटनाएं होती है जो हमारे, आप अपने विश्लेषण बहुत अच्छे कर लेते हैं ना, तो आप एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शन को। बिल्कुल। एक प्रश्न बीच में आपके निजी जीवन से और ले रहा हूँ। इतनी व्यस्तता के बीच विद्यार्थियों के बीच रहना आपको बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इतिहास समागम में जब आया था वहाँ तब आज भी आपने देखा होगा। तो आपने जो है 1.5 घंटे का वीडियो वहाँ आपने रिकॉर्ड करवा लिया, जबकि सुबह आपका इतना बड़ा कार्यक्रम, आपके जीवन का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। एकदम इतना फ्री माइंड कैसे रह पाते हैं? मैं कभी चीज़ों का लोड नहीं लेता, मतलब एक भार होता है ना, मैं सिर्फ दो चीज़ें दिमाग रखता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। देखा जाएगा, और टीम पे विश्वास है, होगा तो देख लेंगे, सोचने से कुछ नहीं होगा। 1 घंटे बाद क्या होने वाला मुझे क्या पता, मैं 8 बजे का सोच के अभी 7 बजे क्यों परेशान हूँ। देखेंगे। और मुझे इतना पता है कि इस सृष्टि में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, हर का कोई कोई। मुझे ये भी पता है कि हर आगामी समस्या पिछली समस्या से ज्यादा घातक आने वाली है। बिल्कुल। और मुझे ये भी पता है कि 5 साल बाद 5 साल पहले की समस्या को पर जो रोए थे उस पर अमर सिंह है कि मैं ऐसे स्थिति में भी रोया था। बिल्कुल। तो क्यों टेंशन लेना, मस्त रहो। और थकावट कभी मेरे ऊपर आवी नहीं होती, क्योंकि मैं मेरे इंटरेस्ट के काम करता, काम को बड़ी रुचि के साथ के साथ। बाकी मेरे पर कोई थोप नहीं सकता कि ये करना है। अब जैसे हर संडे मेरे पास बहुत फोन आते हैं, इस कार्यक्रम में आना, उसमें आना है। कई बार मैं प्राइमरी स्कूल के कार्यक्रम, आजकल तो आप कार्यक्रमों में आना शुरू कर दिया, बाकी पहले तो बहुत। कई बार मुझे लगता है कि समाज में वापस लौटाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। आजकल क्या है कि नई जनरेशन सोशल मीडिया के प्रभाव में आके बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे कार्यक्रम में जाएंगे ना, तो क्या पता 1000 में से 2 बच्चे ही हमारे को आदर्श बांध के हमारे जैसा आचरण करेंगे, तो मुझे लगता है कि जीवन सफल हो जाए, थोड़ा सा ठीक संदेश जा सकता है। हम हमारे ज्ञान को, हमारे अनुभवों को अगर व्यक्त नहीं करेंगे तो फिर वो यूजलेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सोचता हूँ कि अच्छा, मैं विद्यार्थियों के अलावा किसी कार्यक्रम में नहीं आता हूँ, केवल स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट। उनको पूछ लेता हूँ कि कार्यक्रम किसका है बच्चों का, तो चलूँगा, क्योंकि विद्यार्थियों ने इतना प्रेम दिया है। मुझे मेरे अनुभव और भाषा पे इतना विश्वास है कि मैं बच्चे को ठीक डायरेक्शन में डाल दूंगा, तो चला जाता हूँ मैं। एक कहीं भी आप जाते हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से बताते नहीं हो कि मैं वहाँ आज रहूंगा, फिर मेरे उद्देश्य सफल नहीं होते, क्योंकि फिर जिस खलल पड़ता है, बच्चे आ जाते हैं, बच्चे तो बहुत इमोशनल जुड़े हुए हैं, सोचते हैं अभी आज एक बच्चा रोने लग गया, फिर जिनके लिए वो मैंने रोने लग गया, वो कह रहा मैं मिलना चाह रहा हूँ कई सालों से, महीनों से मिल नहीं पा रहा, आज मैं एक भावनात्मक वो बोलते बोलते। आज एक कार्यक्रम में हम थे और एक जब बच्चों से प्रश्न लिए गए तो उस बच्चे ने, और उसका सिलेक्शन भी हो गया, उसके सिलेक्शन होने में उसने कुछ प्रश्न पूछे थे, थकने की जवाब दिया था, थकने गई तो
एक्चुअली मेरी गुड़िया ये स्टूडियो में बैठी है, सारी वार्ता को सुन रही है और गणपति जी उससे पूछ रहे हैं कि तक तो नहीं गई है। तो उस बच्चे ने बताया कि सर ने जो मेरा मार्गदर्शन किया, मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक आइडिया। डॉक्टर दिनेश जी गहलोत सर कहते हैं कि आइडिया दुनिया में राज करते हैं, लीगल ने भी यही कहा था। एक जो है वाक्य, एक नारा सत्ता बदल देता है, सत्ता परिवर्तन हो जाती है। ऐसा हमने भारतीय राजनीति में खूब कहीं देखा है। इंदिरा गांधी का जो गरीबी हटाओ का नारा था 1971 में कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करने के बाद में 2014 में मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले। तो एक नारा, एक वाक्य, एक मार्गदर्शन, एक सेंटेंस हमारे जीवन को बदल सकता है। और ऐसा ही उस विद्यार्थी के साथ वैसे इतना भोग हो गया कि बोलते बोलते रोने लग गया। शायद वो वीडियो भी किसी ने बनाया होगा तो आप तक पहुंचेगा, उसको जरूर बच्चों तक। मैंने मेरी जिंदगी में कभी कोई रील अपलोड नहीं करी। आपने नहीं किया? आपकी आपके जो बच्चे ये इनके क्या होता है, इनकम होती है और इनके घर चल जाते हैं। हाँ, अभी क्या बच्चे कई स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, मेरे ऑफलाइन वीडियोस क्लासेस में पढ़ाई है उनके कट करते हैं। वो मुझे कैसे पता, मैं आपके इतिहास समागम में आया तो आपके चार पांच छोटी छोटी सर इधर तो मेरे को बताया टीम ने इन चार बच्चों को सम्मानित करना। मैंने कहा क्या, तो ये तो आपके जो वीडियो बनते हैं ना वो बड़ा पड़े सारा ही बनाते हैं। मजे की बात सुनाऊं आपको, वो वीडियो मैं भी बड़े चाव से देखता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो बहुत नए होते हैं। यानी आज तक कभी भी किसी वीडियो को इंस्टा पर आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं डाला। आप मेरा इंस्टाग्राम देखिए, मुझे रील ना बनानी आती ना मैं इसके ऐसा कुछ हूँ। ये सब बच्चों ने बनाए। बच्चों को क्या होता है, इससे यूट्यूब पे थोड़ी पास आ जाती है, इनकम हो जाती है, उनका चल जाता है। कॉपीराइट नहीं डालता हूं और उन बच्चों के इनकम आपके नाम से बना रखे सारे चल चलते हैं। बच्चे हाँ परमिशन लेते हैं मेरे, परमिशन लेते हैं, लेकिन मैं पूछता नहीं हूँ कौन है पीछे, मेरे को क्या करना है इससे। आपके परिवार से लोग, आजकल के जो लोग हैं ना वो तो माइक कैमरा साथ रखते हैं और मेरे उन बच्चों की मेरे से क्या शिकायत रहती है, आप कहीं जाते हो कम से कम बताया तो करो, हम आपकी रील बनाए है ना। फिर ये क्या करते हैं, बच्चे बनाते थे ना वो टैग करते हैं उनको और उनसे ये लोग वहां मंगवा के रील बना के डाल देते हैं। फिर मैं हमें हर दिन चेक करता हूँ कि आज मेरी कौन सी रील आएगी, आपका भी एक इंटरेस्ट उसमें होगा। और आप मेरा उसमें देखोगे ना तो मैं देखता हूँ सर्च में, जब भी मुझे 5-7 मिनट टाइम मिलता है कि आज मेरी कौन सी रील आई, फिर मैं खुद सुनता हूँ क्लास में। 4 साल पहले क्लास में बोला मुझे थोड़ी याद है, बिल्कुल मैं खुद सुनता हूँ, खुद हंसता हूँ। फिर मेरे को कोई पूछता है आप हंस क्यों रहे, मैं मेरी रील पे हंस रहा हूँ कि मैंने ये भी बोला है क्लास में। तो अच्छा, एक मुझे इतिहास समागम में आया था तो पता चला था कि कुछ बच्चों को आप वहाँ रखते हो, उनका खर्चा भी उठाते हो और इस प्रकार का आगे का भी ये प्लान है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी उस पर करोड़ कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ कई लोग भी जुड़ रहे हैं। मैं आगे एनजीओ की व्यवस्था के प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें अभी मैं 5-6 बच्चों को मेरे पर्सनल खर्चे से कर रहा हूँ। तो आगे मेरा विचार है 50-60 उन बच्चों की ऐसी स्थिति है, बिल्कुल होते हैं, मैं अब क्या बताऊं। खैर, तो वो मेरा ये प्लान है आगे और बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए समाज में वापस लौटाने का। मैंने भी मेरी सैलरी चली जाती है लाल तो मैं मांगता फिरता हूँ यार आपको तो विद्यार्थियों ने इतना स्नेह दिया है, वो ऐसी कमी नहीं आती, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरा घर मेरे खर्चे मेरी सैलरी से चलना तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन ये इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने के बावजूद भी घर परिवार और समाज को कैसे टाइम दे पाते हैं? देखो, समाज को जैसे आज टाइम समाज को दे दिया, समाज को हर दिन तो आवश्यकता होती नहीं है। दूसरा क्या है कि आप अगर YouTube पे 2-4 अच्छी बातें बोल के जा रहे, समाज को इतना योगदान दे आपते हैं, बिल्कुल ठीक है। और रही बात घर परिवार की, तो वो तो सब साथ है, क्या दिक्कत है। सही है, सही है। मम्मी जी है, पिताजी है, सब बढ़िया और सबको बड़ा अच्छा लगता है। वो भी आज देखते हैं, वो भी मम्मी को ऐसे घर वाले वीडियो देख लेते हैं कि बच्चा कितनी अच्छी। और फिर हमारे ऊपर केवल घर परिवार का ही अधिकार नहीं है, समाज को भी तो वापस लौटाना होता है। तो समाज से, समाज के रिसोर्स हमने आपको खड़ा किया है तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न बीच में और ले रहा हूँ और लगभग अंतिम प्रश्न ही है, एक आधा प्रश्न और रहेगा, टाइम भी काफी हो गया। RAS और स्कूल व्याख्याता, इन दोनों को एक साथ कैसे लेकर चलना? नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है कि बच्चे को दोनों में से एक ही करना चाहिए, टारगेट एक ही होना चाहिए, दो नाव में सवार। नया आजकल डायलॉग आया कि दो खरगोश के पीछे भागोगे तो एक भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो दोनों का अलग स्कोप है। एक समय था तब हो जाता था, लेकिन आजकल क्या, फर्स्ट ग्रेड में आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, आरएस में 16 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फर्स्ट ग्रेड में आपको विशेष अध्ययन करना पड़ता है गहराई में, आरएस में सरफेस अध्ययन करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, दोनों में फेल हो जाओगे आप। तो प्रण कर लीजिए, पहले ये करना बाद में ये करना, कोशिश यही करो पहले फर्स्ट ग्रेड बन जाओ फिर आरएस पढ़ना। आरएस में कोई बहुत बड़ा पद रहा नहीं, अब सही बात है। शिक्षक से बड़ा पैसा क्या हो सकता है? शिक्षक तो खैर वो तो आज मैंने इस कार्यक्रम में देखा था। आप देखो, आप मेरे साथ आरएस भी बैठते हैं करते हैं, आरएस अच्छे हैं, प्रशासक अच्छे, लेकिन जुड़ाव नहीं है ना, जुड़ाव सीधा जुड़ाव नहीं है।
आप किसी की प्रशासन न्याय करता है, लोगों को न्याय देता है, जनता के लिए बढ़िया होते पावर है, स्टूडेंट के एम होते मेरे हिसाब से तो आपको वो काम भी करना बनाते हैं, आपको वो काम करना चाहिए जिससे आपको आत्मसंतुष्टि हो। हाँ बिल्कुल, जिससे आपको यूँ लगे कि वास्तव में आनंद आ गया। बस ये इसका एक अंतिम शब्द में प्रयास था। गणपत सिंह जी, मैंने पहली बार चर्चा की है, इससे पहले मैंने आज तक कभी भी इस प्रकार का कोई वीडियो तो करता रहता हूँ रिकॉर्ड किया नहीं है। रात को मैंने आपने जो दीपेंद्र सोहू का जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, उनका इंट्रोलिया का सेकंड रैंक आई थी आपके, वो आपके स्टूडेंट की, उसको मैंने जरूर देखा कि कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं था। कुछ प्रश्न मैंने बच्चों से लिए, कुछ प्रश्न मैंने लिखकर आपके साथ बहुत से प्रश्न साझा किए। मैंने सोचा था कि आप इन प्रश्नों का ऐसे उत्तर देंगे, उसे बिल्कुल हटके इन प्रश्नों के उत्तर आपने दिए। शायद ये प्रश्न मेरे से कोई पूछता तो मेरे उत्तर काफ़ी अलग रहते, आपके उत्तर बिल्कुल अलग थे, और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से प्रत्येक बात को आपने विद्यार्थियों तक रखी। मैं कभी भी सोच के नहीं जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना है, मैं वहाँ जाके प्रश्न जैसे आपने पूछा, हाँ, तो मैं उस पर क्या सोचता हूँ, मैंने उस समय क्या सोचा होगा, मैं वही बोलता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मेरी बात इसलिए थोड़ी अटके लगती है, बच्चों को अपनी सी लगती है। पर आपको आइडिया ही नहीं है कि प्रश्न क्या आने वाले, कुछ नहीं पता। मैं तो कहता ना कि प्रश्न वगैरह मैं नहीं, वो बहुत वहाँ ही देख लेंगे। बिल्कुल, वहाँ जाके देखेंगे, मेरे क्षेत्र का नहीं है तो कह दूंगा भाई। नहीं, इसका आइडिया नहीं, बाकी मेरे क्षेत्र का है तो मैं बता दूंगा, आस्ते आस्ते बताऊंगा। कोई औपचारिकता मैंने मेरे जीवन में नहीं रखी। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम क्या संदेश रहेगा हमारे जो व्यक्ति देख रहे हैं इस वीडियो को या देखेंगे? मेरा संदेश तो यही रहता है कि जीवन में अच्छे कार्य कीजिए, किसी बुरी प्रवृत्तियों में ना घुसे, नशे पते धोखेबाजी या चरित्रहीनता ऐसी गंदगी से हटके अपना चरित्र बड़ा साफ रखें, बेदाग रखें, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली खड़ी ना कर सके। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी चीज़ ये है कि पढ़ते रहिए बढ़िया, यानी कि आपकी वजह से आपके परिवार को, समाज को, आपके दोस्तों को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए, नहीं कहना पड़ेगा कि इसको हम जानते नहीं। हाँ, ऐसा काम करें कि हर कोई कहे कि नहीं यार उनको तो मैं, बाकी पढ़ाई सेकेंडरी चीज है, मैं ये मानता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ आपका कि इतना समय दिया आपने और बड़ी शिद्दत के साथ में। मैंने 5-6 साल विचार किया था कभी आपके साथ इस प्रकार की चर्चा होगी, हालांकि जो सोचते हैं वो हो जाता है, हो जाता है, सोचते हैं। मैंने एक बार आपसे ये भी कहा था कि ऐसा कभी अवसर आएगा कि आपके साथ मंच साझा करने का अवसर मिलेगा, आपने कहा आएगा, और इतिहास समागम ने वो अवसर सबको दिया। उससे पहले एक संविधान आपके द्वार कार्यक्रम भी दिनेश जी सर का आपके सानिध्य में हमने वहाँ पर किया था। देखो, तो जो जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसे व्यक्ति मिल जाते हैं। धन्यवाद, तो आपके लिए बहुत छोटा शब्द रहेगा, बच्चों के लिए काम की बात। मैं अंत में इन पंक्तियों के माध्यम से इस बात को रोकना चाहूँगा कि सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका क्या बात होगा। थैंक यू वेरी मच।